प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बिना एयर कंडीशनर या कूलर के घर को ठंडा रखने का तरीका बताने जा रहा हूं, जो एयर कंडीशनर या एयर कूलर से बेहतर है। इससे आपको हवा ठंडी और बिल्कुल साफ मिलेगी, इसमें धूल नहीं होगी। इसका फायदा आपको साल में 9 से 10 महीने जरूर मिलेगा। अगर आप गर्मी के मौसम में इसके साथ कूलर चलाएंगे तो बहुत ठंडी हवा आएगी, क्योंकि यह आपके घर की हवा में नमी नहीं बनने देगा। ये गैजेट एयर कंडीशनर या कूलर की तरह घर की हवा को ठंडा करेगा, हवा को शुद्ध करेगा और पंखे की तरह भी काम करेगा, जिससे घर में प्राकृतिक वायु प्रवाह बना रहेगा। हम सभी घर के अंदर वायु प्रदूषण का सामना करते हैं। हमारे घर की हर चीज जहरीली गैस छोड़ती है, जैसे दीवार, सोफा, फर्श, किचन, शौचालय, कालीन, रूम फ्रेशनर, पेंट आदि। जब आप बाहर से आते हैं और घर खोलते हैं तो आपको गंदा बास महसूस होता है, यह आपके घर में पैदा हुई जहरीली गैस है। अगर घर बंद रहता है तो घर की हवा में नमी का स्तर भी बढ़ जाता है। घर के अंदर का ये प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। विज्ञान कहता है कि हमारे घर की हवा हर घंटे में 5 बार बदलनी चाहिए। जब हम घर में ताजी हवा आने के लिए दरवाजे और खिड़कियां खोलते हैं तो हमें धूल, कीड़े और मच्छरों का सामना करना पड़ता है, जिसका हमारी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अगर घर में धूल न हो और ताजी हवा हो तो आप कम बीमार पड़ते हैं, आपकी 100% नींद पूरी हो जाती है, घर में आराम महसूस होता है, कोई गर्मी नहीं होती, घर ठंडा रहता है, एयर कंडीशनर की जरूरत नहीं होती। अगर आप घर को पूरी तरह से बंद कर देते हैं तो घर में मच्छर और कीड़े नहीं आते। अक्सर आपने ब्रांडेड कंपनी के एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल किया होगा, जिससे हवा शुद्ध तो होती है लेकिन बहुत गर्म हो जाती है, इससे घर में गर्मी बढ़ती है। इसका रखरखाव बहुत महंगा होता है। जो देख रहे हैं वह एक प्लाईवुड बॉक्स है, जिसे मैंने विंडो में फिक्स कर दिया है। मैं अब बॉक्स का ये ढक्कन खोलने जा रहा हूँ। इस ढक्कन को टिक्सो टेप से बॉक्स पर चिपका दिया जाता है। ये ढक्कन प्लाईवुड से बना है और इसे हटाना बहुत आसान है। मैंने उस पर प्लास्टिक एग्जॉस्ट फैन लगा रखा है, जिसे उल्टी स्थिति में रखा जाता है, जो बाहर की ठंडी हवा को फिल्टर करके कमरे के अंदर छोड़ देता है। अब आप अंदर जो देख रहे हैं वह फिल्टर्स हैं। अब मैं इन फिल्टर्स को बॉक्स के अंदर से बाहर निकल रहा हूँ। मैंने प्लास्टिक की बोतल, थर्मोकोल जैसी चीजों को फिल्टर के अंदर रखी है ताकि ये फिल्टर्स दबे नहीं, और इन फिल्टर्स को हटाना बहुत ही आसान है। ये फिल्टर स्क्वेयर या राउंड पाइप के छोटे टुकड़ों के साथ बॉक्स बॉडी पर लगे होते हैं। मैंने इन एयर फिल्टर्स में अनवोवन पॉलिएस्टर फैल्ट का इस्तेमाल किया है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत बड़ा होता है, जिससे वायु गर्म नहीं होती है। फैल्ट की मोटाई करीब 0.75 इंच है। मैंने इस 0.75 इंच मोटाई की 3 परतों का उपयोग किया है ताकि इसकी धूल धारण करने की क्षमता बहुत अधिक हो। ये फिल्टर्स 2 महीने तक चलते हैं, जिसके बाद इसे धोना पड़ता है, और इनका जीवन 10 साल से भी ज्यादा का होता है। ये फेल्ट अमेजन या इंडिया मार्ट पर आसानी से मिल जाते हैं। अनवावन होने के कारण ये फिल्टर्स तुरंत जम या फट जाता है, इसलिए मच्छरदानी की जाली में थ्री लेयर फिल्टर लगाकर इसका एयर फिल्टर बनाया गया है, जिसे हैवी ड्यूटी सिलाई मशीन पर सिलाया गया है। मच्छरदानी का कपड़ा फेल्ट को ताकत प्रदान करता है और फेल्ट को जमने या फटने नहीं देता। मच्छरदानी की नेट फिल्टर्स का लाइफ भी बढ़ाती है। इस फिल्टर का व्यास लगभग 6 से 7 इंच है। फिल्टर की लंबाई 3 फीट है। मैंने कुशन सिलने वालों से फिल्टर सिलवाया है। जब एग्जॉस्ट फैन हवा खींचता है तो हवा इन फिल्टर्स के पास से होकर आती है और सारी धूल फिल्टर के अंदर फंस जाती है और ठंडी हवा घर के अंदर आ जाती है। बाहर की हवा घर की हवा से ज्यादा ठंडी रहती है, जिससे घर में फ्रेश और ठंडा महसूस होता है। घर में मच्छर और धूल नहीं आते हैं। मेरे द्वारा अभी अभी निकाले गए फिल्टर के सरफेस के ऊपर बहुत सारी धूल थी और वह बॉक्स में गिर गई है। इन फिल्टर्स के अंदर भी काफी धूल फंसी हुई है। अब देखते हैं कि इन फिल्टर्स को कैसे साफ करें। अभी मैं इस फिल्टर को रोल कर रहा हूं ताकि इसका साइज छोटा हो जाए। बाद में इसे वॉशिंग मशीन में डालना होता है। अभी मैं इसे वॉशिंग मशीन में डाल रहा हूँ। इसके साथ वॉशिंग पाउडर भी डालना है। ये फिल्टर्स 15 से 20 मिनट में धुल जाएगा और ये तरीका बहुत ही कारगर है, और वॉशिंग मशीन में सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। वॉशिंग होने के बाद सुखाने या टांगने की जरूरत नहीं है। ये फिल्टर्स तुरंत बॉक्स में लगा सकते हैं। अगर आपके पास वॉशिंग मशीन नहीं है तो आप इसे पानी से भी धो सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा मेहनत वाला काम है। देखो, इन्हें अभी मैं मैनुअली धो रहा हूँ। मैंने फिल्टर को पानी के टब में डाल दिया है। इसे 3-4 बार पानी चेंज करके धोना पड़ेगा ताकि इसके अंदर की सारी धूल निकल जाए। मैंने 15 दिनों तक इन फिल्टर्स का इस्तेमाल किया, इसलिए इसके अंदर से धूल कम निकली है। 2 महीने यूज करोगे तो गंदी नाली जैसा पानी निकलता है। बरसात के मौसम में हवा साफ रहती है, इसलिए इन फिल्टर्स में कम धूल जमती है। फिल्टर के अंदर की सारी धूल पानी में जा रही है। देखो, पानी का रंग बदल गया है। धोने के बाद फिल्टर को 24 घंटे के लिए टांगना है ताकि उसमें से सारा पानी निकल जाए, फिर आप इसे लगा सकते हैं। मेरे पास फिल्टर के 2 सेट हैं।
मैं पहले गंदे सेट को निकालता हूँ और तुरंत दूसरे साफ किए हुए सेट को बॉक्स में लगाता हूँ। बॉक्स जो खिड़की में तय किया गया है, आप प्रकाश को पीछे से आते हुए देख सकते हैं। मैंने ये बक्सा एक बढ़ई से बनवाया है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने में 10 mm मोटाई के वाटरप्रूफ प्लाईवुड का इस्तेमाल किया गया है। आप अपने बजट के अनुसार PVC शीट, SS शीट, GI शीट इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी ऊंचाई करीब 20 इंच, लंबाई 3.5 फीट, गहराई 2 फीट है। बॉक्स बनने के बाद इसे ऑयल पेंट से रंगा गया। भीतर की तरफ 6 छेद वाली एक प्लाईवुड शीट होती है। ये छेद आप स्क्वेयर या सर्कुलर रख सकते हो। राउंड छेद में फिल्टर लगाना बहुत आसान होता है। मैंने स्क्वेयर छेद बनाए और इसका साइज 5 इंच है। जिस पर फिल्टर लगाने होते हैं वह प्लाईवुड शीट मुख्य बॉक्स से जुड़ी होती है और जहां भी गैप होता है उसे सिलिकॉन सीलेंट से सील कर दिया जाता है। इन फिल्टरों को देखिए, इन पर जो धूल जमी थी वह फिल्टर हटाते समय डिब्बे में गिर गई। अब मैं बॉक्स में गिरी हुई धूल को माइक्रोफाइबर कपड़े से साफ करूंगा। देखिए, मेरे पास यह माइक्रोफाइबर कपड़ा है। यह अमेज़न पर उपलब्ध है। मैं इसे गीला करने के बाद साफ कर रहा हूं। अभी मैं पूरे बॉक्स को अच्छी तरह से साफ कर रहा हूं। ये कपड़ा सारी धूल को सोख लेता है और यह बहुत अच्छे से सफाई कर रहा है। यदि आपके पास वैक्यूम क्लीनर है तो भी आप इसे साफ कर सकते हैं। वैक्यूम क्लीनर से कम प्रयास में बहुत जल्दी साफ हो जाता है। इन फिल्टर्स को बॉक्स में इंस्टॉल करना बहुत आसान है। यह एक अलग काम है, इसलिए इसे करने में बहुत मजा आता है। अब मैं ये साफ किए हुए फिल्टर्स बॉक्स में लगा रहा हूँ। इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती। सबसे पहले हमें तीनों फिल्टर्स को विंडो के अंदर लगाना होगा। फिल्टर को मोड़कर डालना पड़ता है ताकि वह आसानी से अंदर चला जाए। इसके दूसरे सिरे को ऊपरी छेद से बाहर निकालना है। देखिए, मैंने इन 3 फिल्टर्स को इस बॉक्स के 6 छेदों के अंदर रखा है। अब इसके अंदर पानी की बोतल या थमाकोल डाल दूंगा ताकि ये हमेशा फुले रहे। यदि ये फिल्टर बंद हो जाते हैं तो वे हवा नहीं खींच पाएंगे, इसलिए अंदर एक बड़ी वस्तु रखनी पड़ती है। अब देखिए, यहाँ मैंने 3 फिल्टर लगाए हैं और उसमें 6 छेद हैं, तो उसमें 6 पानी की बोतल या थमाकोल डालना पड़ता है ताकि वह हमेशा फुले रहे। ये काम बहुत आसानी से हो जाता है। अब मैं फिल्टर का मुंह खिड़की से बाहर निकाल रहा हूँ। मैं सभी 6 मुंह निकाल रहा हूँ। अभी मैं फिल्टर के मुंह को खिड़कियों से सील कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने चौकोर पाइप के टुकड़े बनाए हैं। आप राउंड PVC पाइप भी यूज कर सकते हो और यह आसानी से मिल जाते हैं। स्क्वेयर पाइप बनाना मुश्किल काम है। खिड़की के छेद और फिल्टर के बीच गैप नहीं होना चाहिए, नहीं तो धूल आ जाएगी। अब देखिए, इस चौकोर पाइप से सीलिंग की जा रही है। ये चौकोर पाइप प्लाईवुड से बना है। अब देखिए, इसे सील कर दिया गया है। जब पंखा हवा खींचेगा तो हवा फिल्टर से ही आएगी, हवा कहीं और से नहीं आएगी। अगर हवा फिल्टर से आती है तो वह फिल्टर हो जाएगी। देखें कि विंडो में फिल्टर से कितनी परफेक्ट सीलिंग की जा रही है और यह बेहद आसान काम है। किसी खास तकनीक की जरूरत नहीं है और यह काम कोई भी कर सकता है। इसके फायदे अनेक हैं। इस ढक्कन को देखो, ये प्लाईवुड से बना है। इसका आकार 16.5 इंच × 33 इंच है। इसके अंदर 2 चौकोर छेद बने हैं। इनका साइज 11.5 इंच है। मेरे पास वर्तमान में 2 एग्जॉस्ट पंखे हैं और मैं दोनों पंखों को दोनों छेदों के अंदर लगा रहा हूँ। देखिए, पंखे कितनी आसानी से छेद के अंदर फिट हो गए। मैं पंखे का बिजली का तार बाहर निकाल रहा हूँ। मैं इस तार को बिजली की सप्लाई दूंगा जिससे फैन घूमेंगे और हमें हवा मिलेंगी। अब मैं इस एग्जॉस्ट फैन और ढक्कन असेंबली को इस बॉक्स पर लगा रहा हूँ। इस ढक्कन के साइड में और एक विंडो है। अगर मुझे और ज्यादा हवा चाहिए या दूसरा स्टैंड बाय पंखा चाहिए तो इस विंडो में मैं दूसरा पंखा लगा सकता हूँ। अगर एक पंखा खराब हो जाए तो मैं तुरंत दूसरा पंखा इस्तेमाल कर सकता हूँ। देखिए, अब मैंने इस ढक्कन को लगा दिया है और पंखे को चालू भी कर दिया है। देखिए ये कितना अच्छा काम करता है और भी अच्छा लगता है। अब मेरे घर में ठंडी हवा आने लगी है और इस हवा में धूल भी नहीं है। ताजी हवा से घर के अंदर का प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और साथ साथ आपका घर भी ठंडा हो रहा है। ये बहुत प्रभावी है। यह हेटनबर्ग कंपनी का BLDC प्लास्टिक एग्जॉस्ट फैन है। प्लास्टिक ब्लेड होने के कारण इसकी आवाज बहुत कम होती है। इसकी बिजली खपत मात्र 20 वॉट है। इसकी वायु प्रवाह दर 1150 घन मीटर प्रति घंटा है। इसके ब्लेड का 1300 RPM है। इसका 24 घंटे बिजली खपत का बिल महज ₹5 आता है। ये बहुत ही ऊर्जा दक्ष पंखा है। कंपनी इस पंखे पर 2 साल की वारंटी दे रही है। इस BLDC पंखे में डबल बॉल बेयरिंग है ताकि यह जाम न हो और अधिक चले। वास्तव में ये पंखा बहुत अच्छा है। केवल हेटनबर्ग ही भारत में इस प्रकार का निकास पंखा बेचता है। यह एक फैन 120 स्क्वायर फीट रूम के लिए सफिशियंट है। अगर रूम बड़ा है तो 2 फैन लगाने होंगे और फिल्टर्स का साइज भी बड़ा रखना पड़ेगा।
दोस्तों ये पूरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट 10 से 13 हजार पड़ता है। फैन का कॉस्ट 2500 रुपए है। प्लाईवुड बॉक्स का कॉस्ट 3000 से 5000 के बीच पड़ेगा। फिल्टर्स का कॉस्ट 4000 से 7000 के बीच पड़ेगा। पाइप 200 रुपए में मिल जाएंगे। मैं पिछले 10 वर्षों से इन फिल्टरों का उपयोग कर रहा हूं और मेरे परिवार के सदस्य इससे बहुत खुश हैं। अभी सुनते हैं कि मेरी पत्नी इस बारे में क्या कहती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीषा है। मेरे हस्बैंड ने बनाया हुआ गैजेट बहुत फायदेमंद है। इससे मेरे घर में धूल नहीं आती, इसलिए मुझे घर में साफ सफाई कम करनी पड़ती है। सोफा कवर, दीवान कवर कम गंदे होते हैं। घर में ठंडा महसूस होता है। घर में पूरा दिन ताजगी का एहसास होता है और दुर्गंध भी नहीं आती। खाना बनाते समय किचन की महक पूरे घर में नहीं फैलती। बच्चों को सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां बहुत कम होती हैं। एसी और कूलर का इस्तेमाल बहुत कम करना पड़ता है। बिजली का बिल कम आता है। घर में मच्छर और कीड़े नहीं आते। थैंक्स। दोस्तों ये वीडियो बनाने के लिए हमें 6 महीने लगे, क्योंकि स्क्रिप्ट राइटिंग, वीडियो शूटिंग, वीडियो एडिटिंग, वॉयस रिकॉर्डिंग, वॉयस एडिटिंग सब कुछ हमारे लिए नया था। जॉब करके और घर के काम करके इस हॉबी के लिए टाइम निकालना पड़ता है। ये हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण काम था। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है। आप हमें आगे बढ़ाएंगे तो हमें नया वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। जय हिंद, नमस्ते। जल्दी ही मिलेंगे नए कुछ हटके वीडियो के साथ। मेरी प्यारी बेटी द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग और संपादन, डॉक्टर मानसी अम्बिलवादे, MBBS।